मर्डर कर दिया गया। मर्डर को अंजाम दिया फयाज नाम के शख्स ने। फयाज तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है और जिस लड़की की हत्या हुई उसके पिता कांग्रेस के पार्षद हैं। बीजेपी मर्डर को लव जिहाद बताते हुए कर्नाटक सरकार पर हमले कर रही है और बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोर्चा संभाल लिया है। सिद्धारमैया ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि बेंगलुरु में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गृहमंत्री जी परमेश्वर के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। नेहा हत्याकांड पर जी परमेश्वर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई। जी परमेश्वर ने कहा था लड़की उससे दूर जा रही थी, इसलिए आरोपी ने हत्या। नेहा हत्याकांड के विरोध में कलबुर्गी में भी प्रदर्शन को लेकर खबर आई, जहां हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और हालात को काबू में करती हुई पुलिस की भी ये तस्वीरें। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही। ये तस्वीर हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन की। जी परमेश्वर के बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से सड़क पर नजर आ रहा है, उसकी ये पहली तस्वीर। नेहा मर्डर केस में कर्नाटक सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। कांग्रेस नेता वोट बैंक के लिए कुतर्क कर रहे हैं। लव जिहाद के केस पर सेक्युलर कवर चढ़ाने में व्यस्त है। कर्नाटक के सीएम गृहमंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। कर्नाटका में जो नेहा के साथ हुआ, कांग्रेस की एक नेता की बेटी के साथ हुआ, जिस प्रकार से फयाज ने उसे दिन दहाड़े गोंद गोंद कर मार दिया, ये हमारी रूह को कंपाती है। देश स्तब्ध है, पर कर्नाटका कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके ऊपर सेकुलर कवर चढ़ाने में व्यस्त हो चुके हैं। वो अलग अलग प्रकार के कुतर्क दे रहे हैं। उस लड़की का पिता कुछ और कह रहा है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है। और नेहा के पिता निरंजन हिम्मत कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। निरंजन हिम्मत कांग्रेस पार्षद हैं। बेटी की हत्या के बाद निरंजन ने कहा कि ये मामला लव जिहाद का है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नेहा की हत्या को लव जिहाद मानने को तैयार नहीं है। वो इसे निजी कारणों से की गई हत्या बता रहे हैं। लव जिहाद अन्नोदेनिदे अल्ल इदु मोस्ट प्रॉपर्ली भाळ विस्तारवागि होग्ता इदे अंत ननगू अनिसुत्ते। ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬಂದವನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗಿಂತ ದುಃಖ ಬಂದಿತ್ತು, ಏನು ಬೇಡಲಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಮರಡುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಔರ್ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತಾ ಶೋಭಾ ಕರದಲಾಂಜೆ ಕಾ ಬಡಾ ಆರೋಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಫೈಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್. कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सिद्धारमैया सरकार का किया घेरा। ये लड़की निर्दोष थी, ये लड़की पढ़ाई करती थी, उसको वो लड़का ने, माइनॉरिटी लड़का ने लव जिहाद में फंसाना चाहते थे, वो नहीं सुनी, इसके लिए उसका कारण कॉलेज का कैंपस का अंदर उसको मर्डर किया। बहुत महीने से हम बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटक में ठीक नहीं है, ये परमेश्वर संभाल नहीं सकते हैं, सिद्धारमैया नहीं संभालते हैं, ऐसे हम बोल के आए हैं। फिर भी मुझे लग रहा है लव जिहाद का पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मतांतर के साथ साथ देशांतर करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति है। और इस हत्याकांड से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड पर आपको देते हैं, जहां सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ
और कैसे हुआ। बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, 23 साल है उम्र, 23 साल की नेहा निर्मित की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। नेहा के शरीर पर चाकू से 7 वार हुए और साथ ही ये कि हमलावर उसी कॉलेज का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। फयाज को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है। नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। दोनों ने BCA की पढ़ाई साथ में की थी। अब आगे ये कि हत्यारा फयाज मृतका से एक तरफा प्यार करता था और साथ ही नेहा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद गुस्से में फयाज ने चाकू गोदकर नेहा की हत्या कर दी। आरोपी फयाज की मां का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को सख्त सजा मिले, नेहा बहुत अच्छी लड़की थी। ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕ್ಷಮ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೇಹಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ ಅದು ಮಗು. फयाज की मां की बात आपने सुनी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि वो खुद आरोपी फयाज की को सख्त से सख्त सजा की बात कह रही हैं, लेकिन इस बीच नेहा की पिता की बात भी TV9 ने आपको दिखाई। लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, उसी के तहत सियासत भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बेंगलुरु में ABVP कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई है। अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रदर्शन के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास के बाहर भी विरोध जताया जा रहा है।